Hello everyone, today we are going to make a decoupage art. So the materials we need are the decoupage tissues and a mixing plate, Mod Podge, a spray bottle on which we will do decoupage art. You can take any bottle, glass bottle, plastic bottle. I have taken this white bottle, so I don't need to color this bottle. If you are taking a transparent bottle, you have to color it with acrylic paints, and I have taken brushes. So let's get started. तो गाइस अब हमने ये निकाल लिया है और मैंने डेकोपेज भी है मिक्सिंग प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे बड़ा ब्रश लिया है फ्लैट वाला। तो हम लेंगे बॉटल और पहले हम इसको निकालेंगे। तो अब मैंने इसका नीचे का निकाल लिया है। तो अब हम पहले तो इसके ऊपर डेकोपेज लगाएंगे। तो मैंने अब इतने पार्ट में डेकोपेज लगा दिया है। तो अब मैं इसको स्टिक कर रही हूँ उसके ऊपर, और हम थोड़ा ऊपर से करेंगे ताकि, क्योंकि हमको यहाँ पे भी हमको डेकोपेज लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम इसको पूरे में स्टिक करेंगे। तो मैंने अभी इतना पार्ट स्टिक कर दिया है, इतना पार्ट। तो अभी मेरे को बाकी का पूरा स्टिक करना है, मैं वो कर रही हूँ अभी। तो अब मैंने इसको पूरे में लगा दिया है और ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो अभी मैं उसको काट देती हूँ। तो अब हमने इसको पूरी तरफ लगा दिया है और अब हम इसके नेक पे भी लगा देंगे। और अब हम इसको ऐसे अंदर डाल देंगे। तो अब ये ऊपर से भी लग गया है और ऐसे। तो अब हम इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डेकोपेज करेंगे। ताकि ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए अच्छे से और थोड़ा सा हार्ड भी हो जाए ताकि ये निकले ना इसके ऊपर से, और थोड़ा ग्लॉसी भी हो जाए ताकि इफेक्ट अच्छा आए इसका। तो अब हम ऊपर से पकड़ेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये गीला हो चुका है। आप इसको किसी भी चीज पे यूज कर सकते हैं। आप इसको कांच पे यूज कर सकते हैं, कांच की बोतल पे यूज कर सकते हैं, ग्लास बॉटल्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स एंड लाइक दिस स्प्रे एंड ऑल्सो ऑन टेबल। तो अब मैंने इसको पूरे में डेकोपेज लगा दिया और अब हमको नेक पे लगाना है। तो नेक पे लगा देती हूँ। और फिर आपको इसमें आपको 10 मिनट छोड़ के रखना है ताकि ये सूख जाए। ये देखिए नेक पे लग गया है। अब ये देखिए नेक पे लग चुका है। तो अब मैंने इसके ऊपर पूरा वो कर दिया है। मैंने पीछे से भी वही मेथड से मैंने इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा दिया है और मैंने नेक को भी वार्निश से कवर कर दिया है। मैंने इसके ऊपर एक और बार वार्निश किया था। तो अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर एक्रेलिक कलर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके मैचिंग का टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। और
और आप इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हैं इसके मैचिंग का, या फिर मेरे जो ये पेटल्स है, लीफ पेटल्स, उसको वो गोल्डन कलर की है, तो आप चाहे तो इसके ऊपर गोल्डन कलर कर सकते हैं इसके ऊपर। और आप अगर करें तो आप इसके ऊपर छोटी सी टेप लगा देना ताकि इसके ऊपर पेंट ना जाए और ये ब्लॉक ना हो, ताकि आप स्प्रे कर सकें। और एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड बी सेफ। थैंक यू गाइज़।